बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताए, क्या हमारे दिल में है, कर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हर तरीका अमित शाह पाकिस्तान से उन हिंदुओं को भारत में लाना चाह रहे हैं जिन हिंदुओं ने गांधी को छोड़कर जिन्ना को चुना था। ये तरीपार अमित शाह भारत के उन मुसलमानों को मुल्क से निकालना चाह रहा है जिन भारत के मुसलमानों ने गांधी, नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुना हुआ था। और आज हमसे पूछा जा रहा है कि आपके बुजुर्गों का सबूत क्या है। अरे दिल्ली के अंदर लाल किला ये इतनी बड़ी सात बारा है ना मुसलमानों की, दक्कन का चार मीनार पीआर कार्ड है ना मुसलमानों का, और तुम्हारी पार्लियामेंट से भी ऊंचा लंबा की लंबा कुतुब मीनार, ये भी तो मुसलमानों की रजिस्ट्री की कॉपी है ना। अगर फिर भी तारीख देखने की है तो महात्मा गौतम बुद्ध से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसावत का बराबरी का पैगाम लेकर इस मुल्क के कान कोने कोने में गए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह देखने आते हैं, फिर भी सुकून नहीं है। तो पूर्णिया पंडित जिसको आखा मानता था, वो पूर्णिया पंडित का आखा हैदर अली की तलवार देख रहे हैं। फिर भी सबूत चाहिए तो अंग्रेजों के खिलाफ में मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला शहीद टीपू सुल्तान देख रहे हैं। फिर भी सबूत चाहिए तो महाराणा प्रताप को हर जंग में कामयाब कराने वाला उसका सिपहसालार इब्राहिम सूद वो मुसलमान देख लो पहले। और फिर भी अगर सबूत चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए आगरा के जेल में खुद की जान को धोखे में डालकर अपने आप को खाई किया हुआ मदारी मेहतर को देख लो। छत्रपति शिवाजी महाराज को तोपखाने की टेक्नोलॉजी और उनके तोपखाना का मंत्री बनने वाला और उनके समंदर की सेना चलाने वाले इब्राहिम खान और दौलत खान को देख लो, ये हमारे बुजुर्ग हैं। और इनके जो बुजुर्ग हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला किए वाला कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी की औलादे हैं। ये उस कुलकर्णी की औलादे हैं जिसने इस महाराष्ट्र की अस्मिता छत्रपति शिवाजी महाराज पे तलवार उठाई थी। अरे इन मुसलमानों के एपीजे अब्दुल कलाम से जो हमारे अब्दुल हमीद है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ में कितने तो टैंक खत्म कर दिए, ये मुसलमानों का कर्तव्य है, कर्तृत्व है। और ये मुसलमानों से ये सबूत मांगते हैं। मेरे भाइयों आज हम लोग बहुत ही जमहूरी तरीके से, लोक सही तरीके से, पूरा मन इत्मीनान के साथ ये जो आज जलसा कर रहे हैं ना, ये जलसे से हम हुकूमत को कहते हैं कि अगर तुमको भारतीय हिंदुस्तानी ढूंढना है ना तो फिर एनआरसी फेनआरसी कहीं तू करते डीएनए का टेस्ट करा, ये सारा तीन बच्चों को टेस्ट करा। अरे तुम मुसलमानों को बांग्लादेश पाकिस्तान भेजने की टेंशन मत लो, डीएनए पता चले बाद तुम तीन बच्चे को नागपुर के हेडक्वार्टर के अंदर डिटेंशन सेंटर बना के आरएसएस के हेडक्वार्टर में कैद कर दो। हमको ज्यादा जज्बा क्यों होने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि ये लड़ाई अकेले मुसलमानों की नहीं है। हजारों सालों से मुसलमानों के शाना बसाना कंधे को कंधा लगाकर साथ देने वाले ये बेहतरीन गुलशन आप देख रहे हैं कि यहाँ खाली मुसलमान है क्या, यहाँ पे सब बौद्ध धर्मगुरु बनते जी है, सरदार जी गुरुद्वारा भारत के हमारे रविंद्र बुंगई थे, यहाँ पर हमारे दिगंबर ढोले भी है, यहाँ पर सावंत मराठा नौजवान यहाँ पर आए हुए सब मजहब के लोग आपके बीच में शामिल है। ये लड़ाई हम सबको कंधे से कंधा लगाकर करनी है।
अरे वो तीन टक्के साजिश करके गलती से हुकूमत में आ गए। एक जैदी का मुजाहरा कीजिए, बहुजनों का हम साथ लेकर इंशाल्लाह 2024 में इस तख्त के ऊपर मोदी को और शाह को खींचेंगे और कोई गलित मुसलमान को इस तख्त के ऊपर नशी करेंगे और ये हम पूरा मन तरीके से इंशाल्लाह करेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि उलेमा इकराम ने आज हिम्मत दिखाई है, उन्होंने परमिशन अपने नामों से लिए, हम उनके नामों के मायूसी नहीं होने देंगे, हम उनकी खयादत को मायूस नहीं होने देंगे, आज उनकी शान बरकरार रखेंगे, हम घरों को चाहते वक्त पूरा मन तरीके से जाएंगे। लेकिन एक तैयारी कीजिए, आने वाले 4 से 2 दिनों में इंशाल्लाह उलेमा इकराम जाहिर करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन इसी शहर नांदेड़ में होगा। इस वादे के साथ जगा लेता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।